वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक तमिल मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है आधार। अब मूवी के बारे में बात करें तो सच में मूवी बहुत ही अच्छी लगी मुझे। एक बेहतरीन सा मैसेज भी देती है ये मूवी। कुछ देर तक समझ में नहीं आता कि एक्चुअली मूवी में हो क्या रहा है, लेकिन जब मूवी का असली राज खुलता है तो भाई साहब सच में आंखों में आंसू निकलते हैं। मतलब पैसों के लिए कोई इतना भी गिर सकता है। ज्यादा स्पॉइलर तो देना नहीं चाहता, आप वीडियो में देख लीजिए। तो चलिए बिना टाइम इसके लेट्स स्टार्ट। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक कार कंपनी इंडिया में अपनी एक नई कार को लॉन्च करती है और इसकी कीमत तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक होती है। यह कार लॉन्च होते ही हाईकोर्ट का लॉयर मिस्टर राजन खरीद लेता है, लेकिन फिलहाल मिस्टर राजन इंडिया में मौजूद नहीं होता। और इसी तरह यह कार बहुत ही हाईटेक से भरी होती है, मतलब बहुत ही एडवांस फीचर होते हैं इस गाड़ी में। खैर, दूसरे सीन में पच्चमुत्तू नाम का एक बंदा अपने हाथों में नवजात शिशु को लेकर पुलिस स्टेशन के पास आता है। वहाँ पर एक लेडी कांस्टेबल पच्चमुत्तू से कहने लगती है, सारे स्टाफ कुछ काम से गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए हैं, थोड़ी देर के बाद आएंगे, तब तक तुम वेट करना चाहते हो तो वेट कर सकते हो। यह सुनने के बाद पच्चमुत्तू बेचारा रोने लगता है कि तुलसी तुम कहाँ पर चली गई, मुझे और मेरी बच्ची को छोड़कर प्लीज तुलसी वापस आ जाओ। और इसी तरह भूख के मारे वो नवजात शिशु भी रोने लगती है। इस बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर वो लेडी कांस्टेबल अपना दूध पिलाकर इसकी भूख मिटाती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर सारे पुलिस वाले आते हैं। हेड कांस्टेबल यूसुफ पच्चमुत्ती से कुछ डॉक्यूमेंट्स पूछते हुए FIR दर्ज करने लगता है। और फिलहाल पच्चमुत्ती के साथ साथ इसका मिस्त्री भी आता है। एक्चुअली पच्चमुत्तू और उसकी वाइफ तुलसी अपना गाँव छोड़कर चेन्नई में लेबर का काम करने के लिए आते हैं, वही कंस्ट्रक्शन का काम। खैर, पच्चमुत्तू यूसुफ से जो हुआ वो बताने लगता है कि सैटरडे की नाइट इसकी बीवी को प्रेगनेंसी के पेन्स आए। फौरन पच्चमुत्तू अपनी बीवी तुलसी को लेकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया। उसी रात तुलसी ने एक बच्ची को जन्म दिया। मंडे के दिन जब पच्चमुत्तू खाना लेकर हॉस्पिटल गया तो उसको ये बात पता चली कि इसकी बीवी तुलसी मिसिंग है। हॉस्पिटल में सिर्फ इसकी बच्ची मौजूद है और चेन्नई में इन दोनों का कोई रिलेटिव नहीं। उसके बाद SI विजयन पच्चमुत्तू को अपने पास बुलाकर एक औरत की फोटो दिखाकर पूछने लगता है, क्या तुम इस औरत को जानते हो? पच्चमुत्तू कहने लगता है, हाँ सर, 6 महीने पहले मैंने इस औरत को देखा। मतलब 6 महीने पहले जब साइट पर पच्चमुत्तू, तुलसी और कुछ लोग सो रहे होते हैं, सरोजा नाम की यह औरत अपने दोनों भाइयों के साथ इस साइट पर आकर कुछ चीजों को चुराने लगती है। तभी ये चीज पच्चमुत्तू और तुलसी देख लेते हैं, बाकी लोगों को आवाज लगाने लगते हैं। इस तरह से आसपास के लोग आकर सरोजा और उसके दोनों भाइयों को पकड़ लेते हैं, पुलिस के हवाले कर देते हैं। उसके बाद 2 दिन पहले आधी रात को तुलसी को अचानक से पेन्स आने लगते हैं। पच्चमुत्तू तुलसी को लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है, लेकिन कहीं पर भी इन दोनों को ऑटो नजर नहीं आता। फाइनली पच्चमुत्तू किसी जगह पर एक ऑटो देखता है। दरवाजा खटखटाने पर उस घर से सरोजा बाहर आती है। सरोजा को देखकर पच्चमुत्तू डर जाता है, क्योंकि इन दोनों ने ही सरोजा को पुलिस के हवाले किया था ना। लेकिन सरोजा इन दोनों को कुछ भी नहीं करती। तुलसी की हालत जानकर अपने ऑटो में इन दोनों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में आने के बाद ये बात पता चलती है कि हॉस्पिटल की सारी स्टाफ स्ट्राइक में है, जिसको इमरजेंसी होती है उन्हीं को एडमिट किया जा रहा होता है। सो सरोजा तुलसी की अटेंडेंट बनकर तुलसी की डिलीवरी करती है। उसके बाद पच्चमुत्तू अपने काम पे चला जाता है। दूसरे दिन पच्चमुत्तू को ये बात पता चलती है कि हॉस्पिटल से इसको बुलावा आया है। सो पच्चमुत्तू खाना वाना बनाकर पैक करके हॉस्पिटल जाता है। आने के बाद पता चलता है कि तुलसी मिसिंग है। वहाँ के लोगों ने किसी ने भी नहीं देखा कि तुलसी कहाँ पर गई, कैसे गई। हॉस्पिटल वाले पच्चमुत्तू को उसकी बच्ची उसके हाथों में थमा देते हैं और उसे पुलिस कंप्लेंट देने के लिए कहते हैं। पास ही में पुलिस वाले होने की वजह से पच्चमुत्तू पुलिस वालों के पास जाता है, लेकिन तभी पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि किसी ड्रेनेज में एक औरत की लाश पाई गई। यहाँ पर आकर पुलिस वाले इस औरत की लाश को बाहर निकालते हैं तो ये औरत और कोई नहीं सरोजा होती है, जो तुलसी की अटेंडर बनी थी। सरोजा को देखकर पच्चमुत्तू रोने लगता है कि सर, यही औरत तुलसी के साथ थी, अब मेरी तुलसी कहाँ पर गई, प्लीज सर मेरी तुलसी को फाइंड आउट करो। इस तरह से बेचारा पच्चमुत्तू बहुत रोने लगता है। हेड कांस्टेबल यूसुफ पच्चमुत्तू को साइड में बुलाकर कहने लगता है कि तुम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर पुलिस स्टेशन आ जाओ, हम FIR दर्ज करेंगे। इस तरह से जो हुआ पच्चमुत्तू SI विजयन को बताता है। इसी दरमियान में सुबह भी हो जाती है। विजयन कहने लगता है, अच्छा ठीक है, हम इन्वेस्टिगेशन करके जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी तुमको बताएंगे। इसी दरमियान में अगर तुमको कुछ पता चलेगा तो हमको इन्फॉर्म करो, और वैसे भी तुमने उस चोर सरोजा पर भरोसा क्यों किया। खैर, उसके बाद बेचारा पच्चमुत्तू अपनी छोटी बच्ची को बोतल का दूध पिलाते हुए उसका ख्याल रखने लगता है। एक तरफ ये अपने काम को जाता रहता, उसी तरह अपनी बेटी का भी ख्याल रखते रहता है। दूसरी तरफ विजयन इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करता है। एक सुनार दुकान वाले के पास जाकर पूछने पर यह बात पता चलती है कि जब जब सरोजा उसके दो भाई छोटे मोटे सोने को ले आकर बेचा करते थे,
इसी सीसीटीवी फुटेज में विजयन एक बूढ़े आदमी को भी देखता है। एक्चुअली ये बूढ़ा आदमी कब्रिस्तान का वॉचमैन होता है। एक दिन जब ये बूढ़ा आदमी किसी की चिता जला रहा होता है, ऑटो में कुछ लोग एक बंदे की लाश को लाते हैं, इस लाश को जलाने के लिए कहते हैं। खैर दूसरे दिन विजयन सरोजा के भाई को पुलिस स्टेशन लाकर इंट्रोगेशन करने लगता है, लेकिन इस बंदे से तुलसी के बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन साइट पर एक और बंदे को दिखाया जाता है जो रात के वक्त अपने मोबाइल में तुलसी की वीडियो देखता रहता है। जब तुलसी अपनी साड़ी बदल रही होती है, इस बंदे ने तुलसी की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। जब जब यही वीडियो देखकर अपनी हवस मिटाते रहता है, तभी यूसुफ इस बंदे को कॉल करके फौरन पुलिस स्टेशन आने के लिए कहता है। जब यह बंदा पुलिस स्टेशन आता है, विजयन इस बंदे से पूछने लगता है, क्या तुमको पता है तुलसी और मिस्त्री का चक्कर चल रहा है? ये बंदा कहने लगता है, सर इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन एक रात मैंने उन दोनों को मिलिट्री क्वार्टर्स में देखा था। वो दोनों एक दूसरे में कुछ बात कर रहे थे, उसके बाद दोबारा वो दोनों एक ही ऑटो में वापस साइट पर आ गए। उसी रात पुलिस वाले गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पीछे एक ऑटो को फाइंड आउट करते हैं, जिसकी इंजन नहीं होती, तो ये ऑटो किसका है ये पहचानने में लगे रहते हैं। उसके बाद लेडी एसीपी विजयन से पूछने लगती है कि तुमने अभी तक अपना यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना। विजयन कहने लगता है, मैडम मेरे पैर का जख्म अभी तक ठीक नहीं हुआ, बस दो और दिन की मोहलत दीजिए, मैं फिट हो जाऊंगा। एसीपी कहने लगती है कि फटाफट से तुम अपने आप को रेडी कर लो, हम दोनों को डीसीपी के पास जाना है, अगर डीसीपी तुमको ऐसी हालत में देखेंगे तो मुझे डांटेंगे। दूसरे दिन वो एसीपी मिस्त्री को पुलिस स्टेशन बुलाकर ये पूछने लगती है कि तुम्हारा और तुलसी का क्या रिलेशन है। मिस्त्री कहने लगता है कि मैडम वो तो मेरी बेटी जैसी है। ये बात सुनते ही वो एसीपी इस मिस्त्री को एक छापड़ लगाती है, पूछने लगती है कि आधी रात को तुम दोनों मिलिट्री क्वार्टर्स में क्या कर रहे थे, उस लड़की को कहाँ पर ले गए थे तुम दोनों के बीच क्या बातें हुई। तो उस दिन मिस्त्री जो हुआ वो बताने लगता है। एक रात कुछ पुलिस वाले इस मिस्त्री को कॉल करके मिलिट्री क्वार्टर्स पर बुलाते हैं, और उस वक्त तुलसी किसी के ऑटो में बैठी होती है। पुलिस वाला मिस्त्री से पूछने लगता है, क्या तुम उस लड़की को जानते हो? मिस्त्री कहने लगता है, हाँ सर, इसका हस्बैंड और ये हमारी साइट पर ही काम करते हैं। एक्चुअली उस वक्त तुलसी रवि नाम के एक ऑटो ड्राइवर के साथ होती है। इन दोनों को सुनसान रास्ते पर देखकर पुलिस वाले इन दोनों को रोकते हैं। तुलसी से पूछताछ करने पर तुलसी मिस्त्री का नंबर देती है। खर्च के बाद वो मिस्त्री तुलसी से पूछने लगता है कि बेटा तुम यहाँ पर क्यों आई, कौन है वो बंदा? सो तुलसी बताने लगती है कि अंकल जब मैं 12 क्लास पढ़ती थी, रवि मुझसे बहुत प्यार किया करता था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हम दोनों जुदा हो गए, मेरी शादी हो गई, मैं चेन्नई आ गई, और आज जब मैं हॉस्पिटल गई स्कैनिंग लेने के लिए, हॉस्पिटल के पास मुझे रवि मिल गया। उसने कहा कि वो मुझसे कुछ बात करना चाहता है, इसीलिए वो मुझे यहाँ पर लेकर आया। इसी दरमियान में पुलिस आ गई। इस तरह से ये मिस्त्री एसीपी और विजयन को बताता है। दूसरी तरफ पचमुत्तू हर रोज अपनी बच्ची के साथ पुलिस स्टेशन आता रहता है, तुलसी के बारे में पूछते रहता है। हर रोज पुलिस वाले पचमुत्तू को यही बताने लगते हैं, अगर हमको कुछ पता चलेगा तुमको इन्फॉर्म करेंगे, बार बार ऐसे पुलिस स्टेशन के पास मत आया करो। उसके बाद एक और पुलिस वाला विजयन के पास आकर कुछ इन्फॉर्मेशन देने लगता है, मतलब इस पुलिस वाले ने ऑटो ड्राइवर रवि के बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन किया होता है। तो पता चलता है कि रवि ने कुछ दिनों पहले 5 लाख रुपए चुराए, और जिस दिन पैसे चुराया उसी दिन रवि मिसिंग है, और जो झाड़ियों में ऑटो मिला वो और किसी का नहीं रवि का ही होता है, और जिस दिन रवि मिसिंग हुआ उसी दिन तुलसी भी मिसिंग हो गई। इस तरह से और कुछ बातें बताने लगता है। उसके बाद वो एसीपी और विजयन डीसीपी के पास जाकर डीसीपी के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं केस के बारे में। उसी रात कांस्टेबल यूसुफ पचमुत्तू को कॉल करके ये बताने लगता है कि कल सुबह तुम पुलिस स्टेशन आ जाओ। एक्साइटिंग से पचमुत्तू पूछने लगता है, क्या तुलसी के बारे में पता चल गया सर? यूसुफ इसका कुछ भी जवाब नहीं देता, फोन काट देता है। सो दूसरे दिन पचमुत्तू उसी तरह से पुलिस स्टेशन जाता है। वो एसीपी और विजयन पचमुत्तू को केस के डिटेल्स बताने लगते हैं कि तुम्हारे और तुलसी के बीच बहुत एज डिफरेंस है, जब जब तुम दोनों के दरमियान में कुछ झगड़ा भी होता था। तुम्हारी वाइफ तुलसी पहले से ही ऑटो ड्राइवर रवि को जानती थी, अपने गांव से ही, उन दोनों का पहले से ही अफेयर था। रिसेंटली हॉस्पिटल के पास दोबारा उन दोनों की मुलाकात हुई, वो दोनों चोरी छुपे मिलने लगे। उसके बाद वो दोनों पक्का प्लानिंग के साथ ये शहर छोड़कर भाग गए। बस तुम्हारी बीवी तुलसी बच्ची को जन्म देने का इंतजार कर रही थी। फिलहाल तो तुलसी और रवि का केस पेंडिंग में है, कुछ दिनों बाद तुमको कोर्ट बुलाया जाएगा, तुम अपना बयान दो। ये सब कुछ सुनने के बाद बेचारा पचमुत्तू इनकार करने लगता है, नहीं मैडम मेरी तुलसी ऐसी नहीं है, ये रवि कौन है उसको पता नहीं, प्लीज मैडम मेरी तुलसी को ढूंढ निकालिए, मेरी तुलसी पर ऐसे इल्जाम मत लगाइए। लेकिन एसीपी पचमुत्तू की एक भी नहीं सुनती, डीसीपी के पास जाने लगती है। बेचारा पचमुत्तू अपनी छोटी बच्ची को कार के सामने रख देता है, एसीपी को जाने नहीं देता, बहुत फूट फूट के रोने लगता है। बहुत ही मुश्किल से पुलिस वाले पचमुत्तू को और उसकी बेटी को साइड में हटाते हैं। खैर ये होने के कुछ दिनों बाद पचमुत्तू सीएम को ही लेटर लिखता है,
लेकिन ये लेटर सीएम का पीए देखकर डीसीपी को कॉल करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि तुम इस मामले को सीरियसली लो। इसी दरमियान में एक रात कब्रिस्तान का वो वॉचमैन सरोजा के भाई के पास आता है। एक्चुअली ये बूढ़ा हर रोज आता रहता है। सो इस बूढ़े आदमी को देखने के बाद सरोजा का भाई इस बूढ़े आदमी को अपने ऑटो में किसी जगह पर ले जाता है। अपने दूसरे भाई से कुछ पैसे लेता है। वो पैसे दोबारा इस बूढ़े आदमी को देता है, पूरे 25,000 रुपए। पैसे हाथ में लेकर बूढ़ा आदमी कहने लगता है कि हमारी बात तो इन पैसों में नहीं हुई, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, मुझे पूरे पैसे चाहिए। ऐसा कहते हुए पैसों को नीचे फेंक देता है, वहाँ से जाने लगता है। सरोजा के भाई को गुस्सा आकर एक रॉड से इस बूढ़े आदमी के सर पे वार करता है। वो बूढ़ा आदमी नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद जब सरोजा का भाई उस बूढ़े आदमी के पास आता है तो वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी मौजूद नहीं होता। तभी हम ये देखते हैं कि एक पुलिस वाला इस बूढ़े आदमी को अपनी बाइक में लेकर पुलिस स्टेशन आता है, लेकिन रास्ते में ही इस बूढ़े आदमी की डेथ हो चुकी होती है। सो पुलिस वालों को पता नहीं चलता कि इस बूढ़े आदमी को किसने मारा, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करते हैं। उसी वक्त पुलिस वाले पचमुत्तू को अपने पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। पुलिस स्टेशन आने के बाद विजयन बहुत ही बहरी में से पचमुत्तू को मारने पीटने लगता है, क्योंकि पचमुत्तू ने सीएम को लेटर लिखा, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ गया। सबक सिखाने के लिए इसको मारने पीटने लगता है। खैर जैसे जैसे दिन गुजरते रहते हैं बेचारा पचमुत्तू अकेले ही अपनी बेटी का ख्याल रखने लगता है। ये इंतजार में होता है कि तुलसी अब आएगी कल आएगी। इसी दरमियान में एक दिन पचमुत्तू को कोर्ट में बुलाया जाता है। कोर्ट में हाजिर होने के बाद जज पचमुत्तू से पूछने लगती है, क्या तुमको पुलिस इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फेक्शन मिली? बेचारा पचमुत्तू ना चाहते हुए भी हाँ का जवाब देता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले इसकी बहुत धुलाई हुई थी। इस तरह से तुलसी का केस क्लोज हो जाता है। बेचारा पचमुत्तू मायूस होकर जब कोर्ट से बाहर जा रहा होता है, हेड कांस्टेबल यूसुफ पचमुत्तू को ही देखते रहता है। इसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ये चीज एसआई विजयन भी ऑब्जर्व करता है। तभी एसीपी विजयन को कॉल करके केस के बारे में पूछने लगती है। विजयन कहने लगता है कि मैडम केस हमारे फेवर में ही है, मैं पर्सनली आपसे मुलाकात करूंगा। उसी रात जब पुलिस स्टेशन में कोई भी नहीं होता, हेड कांस्टेबल यूसुफ अपने आप को गोली मार लेता है। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। यहाँ पर मूवी की असली सच्चाई पता चलती है। एक रात विजयन और यूसुफ को ये बात पता चलती है कि किसी जगह पर एक कार एक्सीडेंट हुआ। फौरन वहाँ पर जाते हैं। पता चलता है कि कार एक्सीडेंट की वजह से एक लड़की की मौत हो गई। उसी कार के पास एक बंदा भी होता है। विजयन इस बंदे से पूछने लगता है कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? एक्चुअली ये बंदा कार सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है। अभी जो लड़की मरी है ना, एक्चुअली आज इस लड़की का बर्थडे होता है। टेस्ट ड्राइव के लिए ये लड़की शोरूम से गाड़ी निकालकर ड्राइव कर रही थी। सेल्स एग्जीक्यूटिव को थोड़ा काम होने की वजह से वो थोड़ा साइड में गया, तभी इस लड़की ने गाड़ी को ठोक दिया। इस गाड़ी में की एयर बैग ना ओपन होने की वजह से इस लड़की की मौत हो गई। एक्चुअली ये लड़की और कोई नहीं, हाई कोर्ट के लॉयर मिस्टर राजन की बेटी होती है। मिस्टर राजन ने अपनी बेटी को गिफ्ट करने के लिए ये कार खरीदा। तभी इस एक्सीडेंट की खबर एसीपी को पता चलती है। उसी रात उस कार कंपनी का ओनर पुलिस स्टेशन आता है एसीपी से बात करने के लिए। कंपनी वाले इस एसीपी को पैसों की लालच देकर इस केस को यहीं पर दबाने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर मीडिया में ये बात पता चल गई कि कार की एयर बैग ओपन ना होने की वजह से एक लड़की की जान गई, तो इनकी कार की सेल्स तो गिरेंगी ही गिरेंगी, मतलब इस कंपनी को टोटली लॉस होगा। इसीलिए ये कार कंपनी वाले एसीपी डीसीपी विजयन को बहुत बड़ा ऑफर देते हैं। सो वो एसीपी विजयन और यूसुफ से डिस्कस करके इनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। विजयन से कहने लगती है कि किसी भी तरह करके इस केस को क्लोज करो, कार कंपनी के फेवर में होना चाहिए, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि इसमें कार की कोई गलती है नहीं। उसी वक्त वो कार कंपनी वाले एक टेक्नीशियन को बुलाकर कुछ जुगाड़ करके इस कार की एयर बैग को ओपन करवाते हैं। खैर थोड़ी देर बाद उस लड़की के फैमिली मेंबर्स यहाँ पर आते हैं, इस गाड़ी को चेक करते हैं। विजयन इन लोगों को बताने लगता है कि सर आपकी बेटी टेस्ट ड्राइव करते हुए एक दीवार को ठोक दिया, एयर बैग तो सही सलामत से ओपन हुआ, लेकिन शॉक की वजह से आपकी बेटी की डेथ हो गई। फिलहाल डेड बॉडी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मौजूद है, पोस्टमार्टम के बाद हम आपको सौंप देंगे। सो विजयन सोचने लगता है कि किस तरह से इस केस को क्लोज किया जाए, और वो भी कंपनी के फेवर में। लेकिन इस केस में काफी सारे लूप होल्स भी है। खैर दूसरे दिन यूसुफ अपने किसी रिश्तेदार को देखने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाता है। अब उसी हॉस्पिटल में तुलसी तो होती है, जो रिसेंटली अपने बच्चे को जन्म दिया। पता नहीं क्यों बार बार यूसुफ तुलसी को ही देखते रहता है। उसके बाद विजयन का कॉल आने पर यूसुफ हॉस्पिटल से बाहर जाता है। थोड़ी देर के बाद दोबारा हॉस्पिटल में आकर तुलसी की फोटो खींचता है चोरी चुपके। इसकी थोड़ी देर बाद विजयन इस हॉस्पिटल के पास आता है। तभी एसीपी विजयन को कॉल करके ये बताने लगती है कि विजयन तुम अपना प्लान स्टार्ट करो, कल तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए। एसीपी से बात करने के बाद विजयन डॉक्टर के पास आकर डॉक्टर से कुछ बात करने लगता है, इससे कुछ हेल्प मांगने लगता है।
उसी रात हॉस्पिटल के बाहर ऑटो ड्राइवर रवि और सरोजा के भाई के बीच झगड़ा होने लगता है। मतलब रवि सरोजा के भाई को कुछ पैसे देना होता है, इसी बारे में ये दोनों झगड़ा करने लगते हैं। आधी रात को विजन और यूसुफ हॉस्पिटल के अंदर जाकर तुलसी को मारने की कोशिश करते हैं। अब वहीं पर सरोजा तो होती है। सरोजा इस चीज को देख लेती है कि पुलिस वाले तुलसी को मार रहे हैं। सो सरोजा चोरी चुपके तुलसी को बचाने की कोशिश करती है। ये देखकर ये दोनों सरोजा का पीछा करने लगते हैं। इसी भागम भागी में विजन का पैर जख्मी हो जाता है और जब सरोजा विजन से भाग रही होती है वो एक ड्रेनेज होल में गिरकर इसकी मौत हो जाती है। उसके बाद ये दोनों बेचारी तुलसी को मार देते हैं। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि रिसेंटली जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ उस लड़की की शक्ल सेम तुलसी से मिलती जुलती है। तुलसी को मारने के बाद विजयन राजन की फैमिली को बुलाकर तुलसी की डेड बॉडी को दिखाता है। कहने लगता है कि पोस्टमार्टम के बाद आपको बॉडी सौंप दी जाएगी। राजन की फैमिली जाने के बाद हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली उस एक्सीडेंट की वजह से उस लड़की का चेहरा टोटली बिगड़ चुका है। मतलब इस लड़की की फैमिली अगर इसको देखेगी तो इन लोगों को पक्का शक होगा कि कार में एयर बैग ओपन ना होने की वजह से इस लड़की की जान गई। इसीलिए पुलिस वालों ने बेचारे तुलसी को मार के राजन की फैमिली को दिखाया। खैर दूसरे दिन पुलिस वाले उस सेल्स एग्जीक्यूटिव को बुलाकर झूठा बयान दिलवाने लगते हैं कि सर आपकी बेटी टेस्ट ड्राइव कर रही थी, जब मैं कुछ काम से साइड में गया तो आपकी बेटी एक दीवार को ठोक दिया, लौट के आगे देखा तो आपकी बेटी मरी पड़ी है और उसी तरह एयर बैग ओपन हो चुका था। उसके बाद राजन की फैमिली को तुलसी की डेड बॉडी सौंपते हुए डॉक्टर कहने लगता है कि आप लोग फटाफट से अंतक्रिया के काम स्टार्ट कर दो वरना गंदगी फैल सकती है। यह सब कुछ होने के बाद विजयन यूसुफ से कहने लगता है कि यूसुफ तुम पास ही रहकर उस लड़की के डेड बॉडी को डीकम्पोज करवाओ। एक्चुअली उस दिन यूसुफ जब हॉस्पिटल आया था अपने रिलेटिव्स को देखने के लिए, तुलसी का चेहरा देखकर शॉक में रह गया और ACP को कॉल करके ये बताने लगता है कि मैंने हॉस्पिटल में ऐसे ही एक लड़की का चेहरा देखा जो रिसेंटली एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। ये सुनने के बाद तब जाके ACP ये प्लान बनाती है कि ये दोनों मिलकर तुलसी को मार दे, राजन की फैमिली को तुलसी दिखाए। इसीलिए यूसुफ गिल्ट में आकर अपने आप को सुसाइड कर लेता है क्योंकि यूसुफ यही मानता है कि सारी गलती इसी की है। उसके बाद हम ऑडियंस को ऑटो ड्राइवर रवि के बारे में भी पता चलता है। जब विजयन रवि के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, रवि के गले में एक सोने की चैन होती है। सुनार की दुकान से ये बात पता चलती है कि एक बूढ़े आदमी ने ऐसी ही एक चेन ले आकर बेचा। सो विजयन उस बूढ़े आदमी के पास जाता है जो मर गया था, कब्रिस्तान का वॉचमैन। इस बूढ़े आदमी को मार पीट कर पूछने पर यह बूढ़ा आदमी सच बताने लगता है कि उस रात सरोजा के भाई और रवि के बीच हाथापाई के दरमियान रवि मर जाता है। सरोजा के दो भाई रवि को कब्रिस्तान लाकर उस बूढ़े आदमी को पैसे देकर रवि की लाश को जलाने के लिए कहते हैं और इस बूढ़े आदमी का मुंह बंद करने के लिए इसको कुछ पैसे दे रहते हैं। तो इस तरह से विजयन ने सारे चीजों को लिंकअप करके एक केस क्लोज किया। मतलब इस केस को ऐसा बनाया कि रवि और तुलसी ये शहर छोड़कर भाग गए। खैर दूसरे सीन में बेचारे पचमुत्तु को दिखाया जाता है जो अपने साथ अपने बेटी को लेकर हर एक बंदे से तुलसी का आधार कार्ड दिखाते हुए उन लोगों से पूछने लगता है कि आपने इस लड़की को देखा, ये मेरी वाइफ है, पिछले एक साल से गायब है, मिसिंग है, अगर आपको कहीं पर नजर आए तो प्लीज मुझे बताना। फाइनली डायरेक्टर हम ऑडियंस को एक मैसेज देते हैं। हम लोग एक ऐसे बिजनेस मार्केट में जिंदगी गुजार रहे हैं जहाँ पर एक लोहे के डब्बे की इज्जत बचाने के लिए कॉमन मैन की जिंदगी सैक्रिफाइस कर देते हैं। लोहे का डब्बा मतलब कार। इस मूवी में यही तो हुआ। पुलिस डिपार्टमेंट पैसों की लालच में आकर बेचारी तुलसी को मार दिया, एक छोटी बच्ची से उसकी ममता को जुदा किया। आखिरकार क्या कसूर था तुलसी का? बस एक छोटी सी फैमिली थी, ऊपर से तुलसी पहली बार माँ बनी, वो फीलिंग भी पूरा नहीं होने दिया इन लोगों ने। सच में यार सच ए हार्ट टचिंग मूवी। आपको कैसी लगी मूवी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।